अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सनोबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लवली एनिमल विद सनोबर। आपको मैं मालूमात देती हूँ जो घरेलू होती हैं जी, तो आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और क्या कहते हैं, आज मेरा मौजू है कि जो नए पालने वाले हैं तो वो कैसे स्टार्ट करें कि उनके परिंदे वगैरह सेफ हों और उनको ज़्यादा है ना नुकसान भी ना हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप है ना, आप इस तरीके का ये लें पिंजरा, देख रहे हैं ये 8 खानों का पिंजरा है। इसमें आप आराम से 4 बजरी तोतों की जोड़ी नीचे रख सकते हैं ऐसे। ये मैंने बजरी तोतों की नीचे रखी है, 2 इसमें काफ़ी सारे हैं। तो आप 3 या 4 जोड़ियां रखें तो आपको ना आराम से इसमें 2 खानों में 4 कुंडलियां लगा देंगे ना, एक इस साइड में, इस साइड में 1, 2 सामने और 1 इस साइड में। तो आपको बड़े आराम से ये 4 ऑस्ट्रेलियन तोते आप पाल सकते हैं। और अब आइए ये लव बर्ड। लव बर्ड क्योंकि बहुत ही गुस्सेले तोते होते हैं, बहुत मुश्किल से ये मेरे ख्याल में, तो मेरे पास तो इन्होंने सिर्फ फिशर ने कॉलोनी बनाई है, इन्होंने नहीं बनाई अभी। अलग अलग साहब तोते होते हैं तो ये आपस में लड़ते बहुत हैं। तो इनका ये है कि आप एक खाने में 1 लव बर्ड की जोड़ी, 1 खाने में 1 लव बर्ड की जोड़ी, आपकी ये 2 हो गई मुख्तलिफ़ किस्म की। और फिर आप इसमें रख लिए क्या कहते हैं ये कॉकटेल, एक जोड़ी इसमें आ जाएगी आपकी, 1 जोड़ी इसमें आ जाएगी। अब रहे ये 2 खाने, अगर आप दफ़े रखना चाहते हैं तो 1-1 जोड़ा दफ़ों का रख लीजिए ऊपर। तो ये आपके 8 जोड़े आसानी से बन गए, क्योंकि डफे नीचे डरती हैं तो उनको आप ऊपर रखिएगा। और जो ये परिंदे लव बर्ड वगैरह इतने नहीं डरते तो इनको आप ना नीचे रखिएगा। जैसे ये 2 जोड़ी आपने लव बर्ड के रख ली, इसमें यहाँ पे कॉकटेल रख ली है, यहाँ रख लें या यहाँ रख लें, जो भी आपको मौजूद है, लेकिन आपको डफे रखनी होंगी ऊपर। ओके, तो अब आपने यहाँ पे कॉकटेल भी रख लिए 2 जोड़ी, 2 जोड़ी लव बर्ड भी रख लिए और यहाँ पे 4 ऑस्ट्रेलियन जोड़े रख लिए। अब इनका जो ख़र्चा होगा महीने का वो मैं आपको बताती हूँ। लव बर्ड का खर्चा होगा आपका ये 70 रुपये किलो दाना है, तो आप 1.5 किलो ले लीजिए, पूरे महीने के लिए बहुत है। वो कॉकटेल भी खा लेते हैं, लव बर्ड भी खा लेते हैं, मिक्स दाना आता। मैं तो खैर ऐसे दाना बना के देती हूँ, आप देखेंगे सबको ये दिया हुआ मैंने। तो आप है ना, ये मेरा खाना खाली है, मैं ये खाना खाली रखती हूँ क्योंकि अभी ये जो बच्चे निकले हैं उसके अंदर हैं, बाकी ये बैठे हैं ऊपर। तो मैं ये इनको ना इस खाने में रख लेती हूँ। ये 3 बच्चे निकाले माशाल्लाह, सो रहे हैं खा पी के, तो मैं ये खाने में रख देती हूँ। तो माँ बाप यहाँ से खिलाते भी रहते हैं इनको और देखते भी रहते हैं, तो ये खाना अमूमन खाली रहता है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि 1.5 किलो दाना आप वो मिक्स लाएंगे, तो लव बर्ड के लिए 1.5 किलो दाना पूरे महीने के लिए बहुत है। और
वही दाना कॉकटेल खा लेते हैं और वही दाना क्या कहते हैं लबट खा लेते हैं। तो 1.5 किलो बहुत होगा इन 4 खानों के लिए। अब आप देखेंगे बजरी तोते। बजरी तोतों का ये है कि आप इस इनमें है ना तनकी जई बाजरा, यानी आपने 1.5 किलो बाजरा ले लिया है तो इसमें 1/2 किलो कनकी, 1 पाव जई और अल्लाह आपके भला करे सनफ्लावर काले बीज जो होते हैं वो, तो आप है ना आराम से ये पूरा महीना चला सकते हैं। मेरे पास तो काफ़ी तोते हैं इसलिए मैं दाना भी काफ़ी मंगाती हूँ। सब खा पी के बैठे हैं मस्त आ रहे हैं। तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ज़्यादा लेने से परेशानियाँ बढ़ती हैं और कुछ नहीं होता शुरू शुरू में, क्योंकि हम जब नए परिंदे लाते हैं तो परिंदे जो होते हैं कभी बीमार होते हैं लेकिन उस टाइम सही लग रहे होते हैं, 15-20 दिन के बाद उनकी पोल पट्टी खुलती है, ये तो वही बीमार हैं एक्सपायर परिंदे हैं और बाल लोग वही बेचारे पालते रहते हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत होती है। तो आप पट्ठे लें तो बेहतर है, पट्ठे सबसे अच्छे होते हैं और अगर उसमें नर मादा ज़्यादा भी हो जाएं तो आप नए पट्ठे रेडी टू ब्रीड होते हैं तो उनमें से ले आएँ और फिर उसको उनको पालें, वो आपके मिजाज के मुताबिक खाएंगे पिएंगे तो फिर वो आपका अच्छा सेटअप बन जाएगा। बड़े और वो तोते मत लाइएगा जो क्या कहते हैं बड़े होते हैं खूबसूरत होते हैं लेकिन वो अवरेज होते हैं, वो कैसे लेता हुआ जैसे कोई गर्दन तोड़ के सो रहा है, नीचे गर्दन डाल के सो रहा है, कैमरा साफ हो गया तो फिर आप देखिएगा। खतरनाक तरीके से सो रहा है, ऐसा लग रहा है उसकी कुछ खोटी हो गई है लेकिन ये सो रहा है। मैं पहले डर जाती थी, मैं कहती थी अब ये क्या हो गया इनको, लेकिन अब आदत हो गई है। अभी मेरी उंगली बच गई इसके चक्कर में, इसका अब्बा काट लेता मेरे को। देखें ऐसे गर्दन फेंक के सोते हैं ये दवाएँ। अब ये सीज़न गर्म और शरद का है, दवाएँ लाजमी दें। बार बार मैं आप लोगों को कह रही हूँ दवाएँ लाजमी दें और नए पालने वाले जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से, मैंने 2-2 जोड़ियाँ रख के ये बड़े हैं माशाल्लाह और ये तो एक एक जोड़ी ली थी मैंने। जब आपके 2-2 जोड़ी सेट हो जाती है तो फिर ये होता है कि अंडे बच्चे निकलना शुरू होते हैं, फिर उनको आप जमा कर लें और कुछ अच्छे तोते मिलें तो फिर ले आएँ, इस तरीके के आपके पास काफ़ी जमा हो जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से फिर आपको तजुर्बा भी हो जाता है कि भैया कैसे पालना है। कुछ मरते हैं कुछ जीते हैं, अभी मेरी बीमारी के बायस काफ़ी तोते मर गए, मेरे महंगे तोते मर गए। खैर कोई बात नहीं, तवज्जो बहुत ज़रूरी है इनके। आपने देखा कि आपको दाने का भी मैंने बताया है और
पिंजरे का भी बता दिया, अगर पिंजरे का आपको साइज़ पता ना चले तो देखिएगा। ये भी ऐसे ही एक पिंजरा आठ खानों का, इसमें मैंने अलग अलग वो रखे हुए हैं कॉकटेल। ये नीचे भी कॉकटेल हैं, ये मेरे दो जोड़ियों से बने हैं। एक जोड़ी मैं अभी लेके आई थी, ये वाला सामने लग दिख रहा है ना, ये लेके आई थी मैं जोड़ी, लेकिन ये जोड़ी नहीं थी, ये दोनों मादा थे, मादाएँ थी। तो इसकी ये जोड़ी जो है वो देखो अंडा लगा के खड़ी है, ये अंडा ख़राब हो गया है तो फट के उसके सीने से चिपक गया। अब इतनी ऊपर मैं अंडे चेक करूँगी अब इनके, तो ये अंडे फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और इस जोड़ी को भी अब मैं नीचे लेके आऊँगी और है ना कहीं और रखूँगी। तो ये आठ खानों वाला पिंजरा आपके लिए बहुत अच्छा होता है, ये लेके इसी तरीके से आप इसमें चीज़ें सेट कर सकते हैं। ये ऊपर डफे हैं, नीचे कफ्ते, लव बर्ड, वो तो मार रही है क्या, बच्चों को नहीं खिलाओ, अंडे देने पे आ गई लग रहा है, दोबारा ब्रीड पे आ गई तो फिर ये मारती है नर को। और नीचे आस्ट्रेलियन तोते, आपको मेरा ये कैसा लगा सेटअप, और ये आठ खानों वाला जो मशवरा मैंने आपको दिया है वो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी मालूमात की वीडियो से फ़ायदा उठाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।